चलिए बैठ जाइए सब बच्चे। आज हम लोग एक बहुत मजेदार पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? खूब मजेदार है और वो एक तुम लोगों की तरह ही चुलबुली लड़की के ऊपर है। कुछ है ना हमारे यहाँ बहुत खुशबू सिंह, जिनको हर समय दूसरे के बारे में चिंता रहती है कि क्या हो रहा है, बस उसी तरह की एक चुलबुली लड़की थी। आप लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन देखा है? वहाँ पर देखा है कि यहाँ पर लिखा रहता है जगह पूछताछ, इंक्वायरी पूछताछ लिखा रहता है। फिर अगर मम्मी को या पापा को कुछ लगता है कि गाड़ी का समय पूछना है या गाड़ी के नंबर कौन सा होगा, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आ रही है, तो कहाँ जाती है पूछने? पूछताछ की, जहाँ पे लिखा रहता है पूछताछ, या जहाँ पे लिखा रहता है अंग्रेजी में इंक्वायरी। हिंदी में क्या लिखा रहता है? पूछताछ। अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखा रहता है इंक्वायरी। वहाँ पर जाते हो, पूछते हो, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या का समाधान का मतलब बता दो। अच्छा, आपकी जो भी समस्या, आपको जो भी परेशानी है वो हल हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं रहती है। जो चिंता है कि गाड़ी कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो सब चीजें किससे कैसे होती हैं, पूछताछ या इंक्वायरी में जाओ तो रेलवे के बारे में सब पता चल जाता है। और कहाँ कहाँ देखा है? बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, वहाँ पर भी इंक्वायरी का ऑफिस होता है, पूछताछ, क्योंकि आपको कौन से वार्ड में कहाँ पर जाना है, कहाँ पर अपनी जाँच करानी है, ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं? ऐसे तो आप पूरे अस्पताल में घूमते रहो, एक जगह बनी होती है, उसको ये रिसेप्शन भी कहते हैं। रिसेप्शन पे आपने सुना होगा, अंग्रेजी का इंग्लिश का वर्ड है रिसेप्शन, जहाँ पर वो कहते हैं जाइए और पता चल जाएगा, या पूछताछ। इन दोनों में से किसी जगह जाओ और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको जाना है। अगर आपको अपने खून की जांच करानी है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की समस्या है, उसका हल कहाँ होगा, ये सब आपको रिसेप्शन या पूछताछ में अस्पताल में जाने पे पता चलता है। और कहाँ पर होता है इस तरह का पूछताछ का केंद्र? पिक्चर हॉल में होता है, होटल, उसमें अगर कहीं खाना खाने जाओ, रेस्टोरेंट में नहीं, वहाँ पर भी नहीं होता है। और कहाँ होता है? रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टेशन पे भी होता है, और जो हवाई जहाज की उड़ानें जहाँ से भरती है, हवाई जहाज क्या कहते हैं, हवाई अड्डा, वहाँ पर भी होता है। उसी तरह का एक कहानी है, बहुत मजेदार। एक पूछताछ केंद्र था एक जगह पर, जैसे समझ लीजिए अपने यहाँ हो, और उसमें एक औरत बैठा करती थी हमेशा, वो महिला पूछताछ केंद्र के पीछे, जैसे ये टेबल लगी थी, यहाँ पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था, और पीछे महिला पूछताछ केंद्र से, देखा है आपने ये बक्सा जैसा बना हुआ है, उसमें से सिर्फ मुंह निकाल करके बोलती थी, और आप जो भी आता था उसकी समस्याएं, उसके जो भी प्रश्न होते थे उनका उत्तर देती थी, जो भी जिसको पूछना होता था उसका उत्तर वो महिला देती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो महिला ने आना बंद कर दिया, वो पूछताछ केंद्र जो था वो खाली पड़ा था। आपने देखा है किताब में अपने जो डिब्बा जैसा बना हुआ है, कैसा बना है, ऐसा करके घर जैसा ना, ये बना है, और बीच में से ये क्या है, कटा हुआ है, बीच में से क्या है, कटा हुआ है, और यहाँ से क्या होगा, बच्चे ने अपना, जो भी पूछताछ केंद्र में बैठता है वो यहाँ से बोलता है, बात करता है, ठीक है, उसका बस इतना धड़ दिखता है और अंदर का सब, और यहाँ पर क्या लिखा है, पूछताछ केंद्र, क्या लिखा है, पूछताछ केंद्र। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, कुछ दिन खाली रहा, फिर क्या हुआ कि एक
एक लड़की बड़ी चुलबुली थी, उसने क्या किया, देखा कि ये खाली पड़ा है बहुत दिनों से। जो महिला यहाँ बैठती थी वो अब आजकल नहीं आ रही है। चीची नाम था उस लड़की का। क्या नाम था? ची ची। कैसा नाम लग रहा है तुम लोग को? ये नाम सुन के कैसा लग रहा है कि बहुत चुलबुली होगी, खूब मजेदार सी होगी? ये चीची लड़की जो थी वो देख रही थी, इसने क्या किया, इस पर क्या लिख दिया, बच्चों का पूछताछ केंद्र। उसमें क्या लिख दिया उसने, बच्चों का पूछताछ केंद्र, और खुद जाके पीछे बैठ गई। अब उसने लिख दिया और बैठ गई। अब इस पे क्या होने लगा, बच्चे आने लग गए। भाई बच्चों का पूछताछ केंद्र मतलब बच्चे आकर के अपनी कोई भी आपकी समस्या है, आपको कुछ भी पूछना है, आप आकर के यहाँ पर पूछ सकते हो। सबसे पहले कौन आए, दो जुड़वा भाई आए। अब एक कहाँ बैठ गई है, दुकान पे पूछताछ केंद्र में, सोच लो। और तेज लड़की रही होगी, दिमाग से बुद्धिमान भी थी। अब इसके जवाब सुनना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। दो जुड़वा भाई आए। जुड़वा से मतलब क्या होता है, जो एक साथ पैदा होते हैं, है ना। तो जुड़वा भाई आए और उन्होंने क्या पूछा कि हमें अगर पिताजी का चश्मा टूट जाए तो क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमसे गलती से पिताजी का चश्मा टूट जाए। होता है ना कई बार, उसने ये पूछा जुड़वा भाइयों ने, अगर पिताजी का चश्मा टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। चीची जो थी बहुत चतुर थी, होशियार थी, तो क्या बोल रही हैं, कुछ नहीं करना चाहिए, पिताजी से पूछना चाहिए कि जब चश्मे नहीं थे तो कैसे देखते थे। सोचो, अगर कुछ और नहीं करना चाहिए, पिताजी से ये पूछना चाहिए कि पिताजी जब चश्मा नहीं था तब भी तो देखते ही थे लोग, टूट गया तो टूट गया। यही मतलब हुआ ना इसका, बच्चों ने पूछा कि पिताजी की जगह जब चश्मा अगर टूट जाए हमसे, पिताजी का चश्मा गिरा और टूट गया तो हमें क्या करना चाहिए, पिताजी से क्या कहें। चीची क्या बोली, कुछ नहीं करना चाहिए, पिताजी से पूछना चाहिए जब चश्मे नहीं थे तब कैसे देखते थे लोग। अगर ऐसा पूछेंगे तो क्या होगा, हम लोग को तो हंसी आएगी और पिताजी क्या करेंगे। अगर तुम लोग ऐसे पूछोगे तो क्या पिताजी मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, गुस्सा होंगे ना, कहाँ से बनवाए। अच्छा ऐसे जवाब दे रहे हो। खैर ये तो चीची थी, मजेदार लड़की थी। फिर उसके बाद एक सुनहरे बाल वाला बच्चा आया, खूब गोल मटोल सा। उसने पूछा, चीची मुझे एक परेशानी है। क्या, ये खरगोश इतने धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? तो चीची ने क्या कहा, उनको चिल्लाना नहीं, उनको पसंद ही नहीं है जोर जोर से बातचीत करना, ना उनको चिल्लाना पसंद है, इसीलिए वो इतना धीरे धीरे प्यार से बात करते हैं। सोचो क्या जवाब है, ऐसा सोच सकते हो कोई एकदम से जवाब आ जाए उसके। चीची जो थी वो इतनी ज्यादा क्या थी, बुद्धिमान थी, और फटाफट हाजिर जवाब। इसको क्या कहते हैं, इस तरह के बच्चों को हाजिर जवाब। जो भी पूछोगे उसका जवाब हमेशा तैयार रहता था उसके पास। फिर एक लड़का आया, उसने पूछा कि अगर कोई कुत्ता कैसा है, सीधा साधा है, तो उसे चालाक कैसे बनाए, तो कैसे बनाए, मिठाई खिला के। अगर कोई कुत्ता बिल्कुल सीधा साधा है और तो उसे कैसे चालाक बनाए। चीची ने बोला, उसको खुद मेहनत करके क्या करना चाहिए, अभ्यास से। अभ्यास किसका, अभ्यास का मतलब कोई बता सकता है, अभ्यास का मतलब किसी को पता है नहीं। चतुर के चालाक कैसे बनाए, अभ्यास से। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, कोई चीज को बार बार करने से। अभ्यास का मतलब हुआ प्रैक्टिस, अंग्रेजी में
और हिंदी में उसको कहेंगे किसी भी चीज को बार बार दोहराने से। तो इसने क्या जवाब दिया चीची ने, अभ्यास से और मेहनत से क्या हो सकता है, एक सीधा साधा कुत्ता कैसा बन सकता है, चालाक कुत्ता बन सकता है। अच्छा बताओ अभ्यास से चालाक कुत्ता बन सकता है, बन सकता है, बना सकते हो। अगर कुत्ता काटता नहीं है, उसे रोज काटना सिखाओगे तो सीख जाएगा ना। बस फिर एक छोटा सा बच्चा आया और उसने क्या पूछा, उसने पूछा ऐसा क्यों है कि चांद रात में और सूरज दिन में निकलता है। ये सब आप लोग बच्चे छोटे छोटे यही सब सोचते हैं ना, इसी तरह के सवाल तो तुम लोग सोचते हो, ऐसा क्यों है, सूरज कभी रात में क्यों नहीं निकलता है और चांद दिन में क्यों नहीं निकलता। उस बच्चे ने चीची से पूछा कि ऐसा क्यों है कि सूरज हमेशा दिन में निकलता है और चांद रात में निकलता है। अब चीची की हाजिर जवाब ही सुनो क्या बोली, और दोनों ने आपस में तय कर रखा है कि हम, सूरज ने कह रखा है कि हम दिन में निकलेंगे और चांद ने कह रखा है हम रात में निकलेंगे। दोनों ने आपस में क्या कर रखा है, तय कर रखा है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अपना अपना टाइम बांध लिया है, समय बांध लिया है, सूरज बाबा तुम दिन में निकलो और चांद कहते हम रात में निकलेंगे। ऐसा क्या सचमुच में है, पर इसका क्या मतलब हुआ कि वो जवाब, उसको तुरंत तुरंत जवाब सूझ जाते थे, वो सोच, उसको बहुत देर सोचना भी नहीं पड़ता था, फटाफट वो जवाब देती थी। फिर एक बच्चा आया उसके पास, क्योंकि ये बच्चों के, अब क्योंकि वो जवाब दे रही थी तो क्या हो रहा था, क्यों क्या हो रहा था बताओ, लगातार बच्चों की कतार लाइन लगती जा रही थी, बच्चों के पास इतने सवाल होते हैं, आप लोग बताओ कैसे कैसे उल्टे सीधे सवाल सोचते हो, सोचते हो कुछ ऐसा, क्या सोचते हो, कुछ ऐसा सवाल जो आप लोग को लगता हो ऐसा क्यों होता है, मछली कभी उड़ती क्यों नहीं है। अगर चीची से पूछा होता तो क्या जवाब देती चीची, अच्छा कोई सोच बताओ, क्योंकि उसके पर नहीं है, या उसे पानी में, उसे तैरना पसंद है, उसे उड़ना पसंद नहीं है, हो सकता है ये जवाब दे देती चीची, उसे उड़ना पसंद नहीं, उसे तैरना अच्छा लगता है इसलिए वो नहीं उड़ती। ऐसे सवाल आते हैं, और बताओ कौन सा ऐसा सवाल होता है जो तुम लोगों को दिमाग में कई बार आता है, कुछ सोचो, कौवा हमेशा काला ही क्यों होता है, ये कैसी चीची बोली है, उसके काले पर होते हैं क्योंकि उसे, ये कह रही है उसे गोरा रंग पसंद नहीं है, उसे सफेद पसंद नहीं, उसे काला अच्छा लगता है, उसे अपना काला रंग अच्छा लगता है इसलिए वो काली है। इसी तरह से एक और लड़की आई, बहुत छोटी सी, वो पूछने लगी कि अगर हम में काला काला भालू है उसे सफेद करना चाहे तो कैसे करें। देखो सबके अपने अपने जवाब है, तुम कह रही हो कि उसे, तुमने क्या कहा बोलो जल्दी, पाउडर लगा के उसे सफेद करना, आप क्या कह रहे हो, पेंट करके। चीची क्या जवाब दे रही है, खूब धो धो के, जब उसे खूब धोगे तो उसमें से कौन सा रंग निकल आएगा, तो चीची क्या है, चीची क्या है, बहुत हाजिर जवाब है, खूब दिमाग से क्या है, क्या है हाजिर जवाब है और फटाफट जवाब देती है। फिर एक बच्चा आया कि हर काम जो है वो बड़े कर सकते हैं, छोटे क्यों नहीं, हर काम करने की आजादी, हर काम को करने की आजादी किसको है, बड़ों को है, छोटों को क्यों नहीं, छोटे, हाँ तो आपको क्या लगता है चीची ने क्या कहा होगा, क्योंकि छोटे कर नहीं सकते, और किसी को कुछ लग रहा है कि छोटे छोटे हैं, है ना, हर काम को करने
बोलने की आजादी बड़ों को है छोटों को नहीं, तुम लोगों को भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता है? अच्छा क्यों लगता है? आपको मना करते हैं क्या? जो काम मम्मी पापा को पसंद होता है वो तुम लोग को करने को नहीं देते हैं, वो नहीं करने देते हैं। अरे और चीची ने क्या जवाब दिया? ऐसा नहीं है कि हर काम बड़े कर सकते हैं, नहीं, हर काम बड़ों के करने की ऐसी भी आजादी नहीं कि बड़े हर काम कर सके, बड़ों पर भी कुछ पाबंदियां हैं। चीची जो है उनका ये जवाब है। आप लोगों का क्या सोचना है वो अलग अलग है कि बड़े कई बार हम लोग को काम नहीं करने को देते और कई बार क्या करते हैं? हाँ देते। अच्छा फिर उसी लड़की ने एक तो ये पूछा, फिर उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ हवा का घर कहाँ है, वो खाती क्या है, वो पीती क्या है? हवा का घर कहाँ है, वो क्या खाती है और क्या पीती है? कभी सोचा है तुम लोगों ने भी ऐसा? नहीं सोचा। पर एक बच्चे ने सोचा, बताओ कभी सोचा है? अच्छा अगर हवा का पूछा जाए घर कहाँ है तो क्या बताओगे? हाँ पेड़ पर रहती है, हवा का घर नहीं है, और वो क्या खाती पीती है? तो भूख से मर नहीं जाएगी? हाँ हवा है, वो मिट्टी खाती है। हाँ बताओ, हवा सब जगह रहती है, कई बार गर्मी लगती है हवा नहीं होती है, हवा पसीने को खाती है। क्या जवाब है? हवा पसीने को खाती है, हवा बालू खाती है, हवा मिट्टी पीती है, मिट्टी खाती है और पसीने को पीती है और मिट्टी को खाती है। चीची ने क्या कहा? चीची का क्या जवाब था? और मजेदार, चीची कह रही है उसे खुद ही नहीं पता कि हवा को खुद नहीं पता कि वो कहाँ रहती, क्या खाती, क्या पीती है। अब सोचो कैसा हो गया, बिल्कुल जवाब। हवा को कुछ नहीं पता कि वो क्या खाती है क्या पीती है। फिर अब एक और बहुत ही मजेदार है, फिर एक लड़के ने पूछा कि ये बताइए, चीची से पूछा, अब तो वहां लाइन लगी हुई थी, सोचो साहब पूछने वाले लाइन लगाए हैं। फिर एक बच्चे ने पूछा उससे कि अच्छा ये बताओ कि जब रेलगाड़ी निकल रही होती है पटरी पे तो सड़क पे जो फाटक लगा है उसे बंद क्यों करते हैं? सड़क पर जो फाटक लगा है उसे बंद क्यों करा जाता है? रेलगाड़ी पटरी पे चल रही होती है तो सड़क पे जो फाटक लगा होता है उसे बंद क्यों करते हैं बताओ? क्या होता है? क्योंकि रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, संध्या कह रही है। और बताओ क्यों बंद करते हैं? क्योंकि जो सड़क पर निकल रहे होते हैं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कुछ सोचो। चीची का जवाब बताएं। चीची कह रही है कि इसलिए सड़क का फाटक बंद कर देते हैं कहीं ट्रेन का मन ना हो जाए और वो पटरी से उतर के सड़क पे ना चलने लगे। इसीलिए फाटक बंद कर दिया जाता है कहीं एकदम से ट्रेन उतर के पटरी पर से उतर जाए और कहें कि हम सड़क पे चलेंगे, इसीलिए फाटक को बंद कर देते। इतने में ही एक बच्चा बहुत उदास बेचारा, बाहर काम के होमवर्क के बोझ का मारा, खूब होमवर्क बस्ता भारी चला आया, पूछताछ केंद्र पर आया और पूछा कि ये बताओ अगर हमारे गणित में नंबर कम हो
तो हम क्या करें? गणित में नंबर कम आ रहे हैं तो हम क्या करें? हमें गणित नहीं समझ में आती है। चीची ने क्या कहा होगा? हाँ, पढ़ो। हम जो कहते हैं, हम भी कई बार कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे एक टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं तो दूसरे में उसको कवर करो। वही चीची ने कहा, अगर गणित में नंबर कम है तो भाषा में, मतलब अंग्रेजी और हिंदी में नंबर ज्यादा लाओ, बराबर कर लो। तो इससे तुम्हें क्या लगता है चीची कैसी लड़की रही होगी? अच्छी, अच्छी नहीं, चुलबुली और दिमाग, हाजिर जवाब, खूब तेज, उसको फटाफट क्या होता है, हर प्रश्न का उत्तर देती है। अब इन सब के बाद क्या हुआ? एक बच्चा पहलवान जैसा मोटा आया उसके पास और उससे बोला कि एक बात बताओ, क्या तुम एक बार में पूरा तरबूज काट सकती हो दांत से? चीची ने क्या कहा होगा? काट सकते हैं। अब चीची हर चीज का जवाब तो देती थी, फंस भी तो सकते हो कभी ज्यादा बोलने पर, वैसे ही अब चीची भी फंसी। उसने कहा हाँ, तो बच्चे ने कहा ठीक है, शर्त लगाती हो, एक बार में तरबूज को दांत से काट के दिखाओ। खाके और किससे? चाकू से थोड़ी। चीची ने पहले तो कहा ठीक है, लगा ली, फिर क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और क्या बोला, क्या बोला होगा? अच्छा बताओ, सोचो क्या बोला होगा। नहीं, किताब में नहीं देखो, अपने आप सोचो, क्या ये संभव है? काट सकता है कोई? वो कैसे काट पाएगी? तो क्या बोला होगा, अपने आप कुछ सोच के बताओ। पूछताछ केंद्र क्या किया उसने? उसमें से निकल के बाहर आई, दरवाजा बंद किया पूछताछ केंद्र का, क्या लगा दिया, ये केंद्र बंद हो गया, शर्त लगाने के लिए ये केंद्र बंद हो गया है, क्योंकि वो शर्त तो हार जाती ना, शर्त लगाने की वजह से ये केंद्र हमने बंद कर दिया। समझ में आया? वो शर्त जीत सकती थी? ये संभव है? बोल तो दिया, हाजिर जवाब है, फटाफट फटाफट। वो पहलवान बच्चा था, उसको देख के घबरा गई होगी चीची, बोल दिया हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, और क्या हुआ उनका, वो कर नहीं सकती थी तो बाहर निकली, तब भी इतनी चतुर थी, लगा दिया, शर्त लगाने की वजह से ये पूछताछ केंद्र जो है वो बंद कर दिया गया है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? मजेदार लगी? अपना पूछताछ केंद्र कल बनाया जाए? हाँ, और उसमें बनोगे सब? ठीक है, तो हम लोग अब ये कल करेंगे, थोड़ा पढ़ के आओगे तो कल हम लोग पूछताछ केंद्र बनाएंगे और फिर सब लोग अपने अपने प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू चिल्ड्रन।